मौजूद हैं जेडीयू प्रमुख शरद यादव जी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर जी, सबसे बड़ी बात जानना चाहेंगे, मोदी को लेकर इतना तानातानी क्यों? मैं कोई सवाल नहीं, उन्होंने अपनी मीटिंग बुला ली है, हम अपनी बैठक बुला रहे हैं। इस बैठक में अहम फैसला क्या क्या होगा, चर्चाएं क्या होंगी, खासकर मोदी को लेकर जो नीतीश जी का बयान है? नहीं, जो इस बीच में कई तरह की घटनाएं हुई है, उन घटनाओं का कई तरह के बाई इलेक्शन हुए हैं और चीजें हुई हैं, गठबंधन की हालत पूरे देश भर में जो है, उन सारी बातों को लेकर के बात होगी, गठबंधन को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, नीतीश जी काफी नाराज दिखते हैं मोदी जी को लेकर। नरेंद्र मोदी की बात करें हम, तो मोदी जी को अगर बीजेपी ने प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए भी घोषणा कर सके, इससे कहीं ना कहीं आहत है नीतीश जी? नहीं, ऐसी कोई सवाल नहीं, जो मुद्दे हमारे हैं, जो उसूल हमारा है और जिस आधार पे हम लोग उनके साथ थे, उसी की चिंता है, बाकी किसी बात की चिंता नहीं है। और नीतीश जी ने किसी का नाम लेकर के आज तक कुछ नहीं बोला, सातों नाम लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आहत हैं वो, दिखते हैं हमेशा, चाहे वो अगर हाल ही फिलहाल में दिल्ली में हुई अगर सीएम बैठक भी लेकर करें, उससे भी कहीं ना कहीं दूरियां दिखी थी। अजीब बात है, आप है ना लोगों के चलने फिरने पर खबर बना रहे, इसका क्या इलाज है? दूरियों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन साफ तौर पर है कि ये जो बैठक गठबंधन के ऊपर हमारी बैठक है, क्या गठबंधन में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अहम, क्योंकि अल्टीमेटम ये भी है ना, आपको जो बता दिया उससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही समझ लीजिए कि बैठक जो है वो सभी गठबंधन के रिश्तों में ये वो सारी घटनाओं पे बात करने के लिए हो रही है। उनने मीटिंग बुलाई, हम भी मीटिंग बुलाए। जो अल्टीमेटम की बात कही थी कि नीतीश कुमार ने दो दिन का अल्टीमेटम दिया है कि पीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा करे बीजेपी, फिर हम कुछ सोचेंगे, क्या है? उन्हें गलत है, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। एक तरफ खबर आ रही है जहां नीतीश जी तोड़ना चाह रहे हैं, वहीं शरद जी पार्टी गठबंधन को जोड़ना रहना चाहते हैं, इसलिए वो कोशिशें लगातार बीजेपी से मिलकर कर रहे हैं। तो कलम की खबर है, इसका कोई मायने नहीं, साफ तौर पर मायने नहीं है। लेकिन क्या इस बैठक में अहम पहलू क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे? इलेक्शन तो आपने बता दिया, लेकिन क्या बीजेपी के साथ? उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, थैंक यू। यानी साफ तौर पर है कि मोदी के मसले पे कुछ नहीं बोलेंगे, जितना भी हुआ पार्टी यानी जो बिहार में बैठक होगी 15-16 को, दो दिन की बैठक में तमाम बातों की चर्चाएं होंगी और साथ में इसमें मोदी की भी होगी बात और साथ में बाईपोल जो इलेक्शन हुए, इन तमाम बातों की चर्चा करने के बाद से जो भी कुछ पार्टी का फैसला होगा उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज दिल्ली।